Hey guys, good evening and welcome back to the channel. आज को इस वीडियो में मैं जस्ट सिंपली आप लोग को दिखाने वाला हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका पैर का मूवमेंट क्या होना चाहिए, मतलब क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर, इसको कैसे यूज करना है लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम इस वीडियो में। इसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं, कुछ नहीं, लाइव जस्ट आपका डेमो दिया जाएगा। एक्चुअल सिचुएशन में क्या आपका पैर का कैसे इस्तेमाल होगा क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर के लिए, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे को देखने लायक कुछ है नहीं, तो सीधा चलते हैं एकदम रास्ते पे और आपको लाइव डेमो दिखाते हैं। और साथ में मैं अपना पैर का मूवमेंट और सामने का जो ट्रैफिक का जो सिचुएशन है दोनों मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो साइड में थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको जो पैर का जो मूवमेंट है वो भी मैं दिखाऊंगा, साथ में सामने का ट्रैफिक सिचुएशन भी आप देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी जैसे आप देख सकते हो मैं पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ, ठीक है, जैसे कि आप सामने वीडियो में देख सकते हो। और साथ में मैं अपना पैर का मूवमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि पता चले। देखिए जैसे गाड़ी अभी रुक गया है, ठीक है, तो मैं अपनी अभी फिर से चलना मैं शुरू किया हूँ। तो क्या किया मैं, हल्का से ब्रेक से फिर से गाड़ी रोकने वाले हैं, आप देख रहे हैं पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और ये जो पैर है मेरा हमेशा क्लच के ऊपर है, जैसे मैं क्लच दबाया और अभी मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ और फिर ब्रेक दबाया, क्योंकि ये जो टैक्टिक्स है, ये जो प्रोसेस है, ये आपको पूरा ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको यही चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा खाली मिला है तो अभी फिर से देख रहे हैं सामने हालत, इधर से उधर से सब कोई निकल रहा है। तो फिर मैं ये मेरा पैर का मूवमेंट देखिए, ये जो बायां एकदम लेफ्ट में जो है इसको मैं दबा रहा हूँ, क्लच दबाया, पूरा ब्रेक हल्का से लगा के खड़ा कर दिया। अभी गाड़ी रुक गया है तो मैं न्यूट्रल में कर देता हूँ इसको। फिर अभी गाड़ी में फर्स्ट गियर में डाला, हल्का से क्लच से पैर उठाया और हल्का सा एक्सेलेटर में मैं पुश किया, ठीक है। अभी फिर से गाड़ी रुकने वाला है तो फिर से मैं क्लच पूरा दबा दिया, ब्रेक हल्का 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 लगा रहा हूँ। क्लच हमेशा दबा के ब्रेक को अप्लाई कीजिए अगर गाड़ी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है तो। जैसे अभी मैं फिर से थोड़ा सा अभी स्पीड दे रहा हूँ, देखिए। और बम्पर टू बम्पर में हमेशा जो पैर है, जो क्लच वाला जो पैर, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका ये जो पैर है, ये जो पैर है, ये आपको हमेशा क्लच के ऊपर रखना है, दबा के नहीं रखना है, जस्ट उसके ऊपर रखना है। अगर दबा के गाड़ी चलाओगे तो क्लच दो ही दिन में 12 बज जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो ये मैं गाड़ी रोकने वाला हूँ, पूरा क्लच में दबाया, पूरा ब्रेक में दबा दिया, एक्सेलेटर से पैर हटा हुआ है। तो ये मैं एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कैसे चलाना। देखिए मैं हल्का सा क्लच से पैर उठाया और हल्का सा दबाया एक्सेलेटर को, ठीक है। अभी जा रहा हूँ, फिर मेरे को ब्रेक दबाना है, पूरा क्लच दबा दिए, फिर ब्रेक दबा दिए। तो यही चीज़ को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। एक दिन में कुछ कोई भी चीज़ नहीं होता है परफेक्ट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कुछ दिनों तक चलाइए, फिर आप भी मास्टर हो जाएगा। और गाड़ी जब रोक के रखना है, जैसे मेरा अभी गाड़ी देखो आप फर्स्ट गियर में है, मैं अभी इसको फिर से मैं क्लच से पैर हटाया और धीरे धीरे करके एक्सेलेटर दे रहा हूँ। और आपका गाड़ी डीजल इंजन है तो जस्ट क्लच से पैर हटाओगे तो आपका गाड़ी मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये पूरा चीज़ प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे करके आप भी मास्टर हो जाओगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बोलता है आप 8 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो वो आप भूल जाओ, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ये जैसे मैथ जैसे करते करते प्रैक्टिस करते करते यू विल बिकम द मास्टर ऑफ सम इन एनी सब्जेक्ट, ड्राइविंग इज ऑल्सो लाइक दैट। आप एक दिन में नहीं हो पाएगा, 10 दिन धीरे धीरे करके आपको गाड़ी चलाना सीखना है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, आपको पेशेंस रखना है, दिमाग ठंडा करके रखना है ताकि आपका गलती ना हो। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं बताया था अगर गलती से ब्रेक का जगह में एक्सेलेटर या फिर क्लच के जगह में एक्सेलेटर दब गया तो क्या हो सकता है। तो दिमाग को ठंडा रखना है और धीरे धीरे करके गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।